अस्सलाम वालेकुम, जैन मोटर वैडी पे वेलकम। आज हम GLI 2018 मॉडल है उसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे और उसमें जो भी फीचर्स हैं वो आपसे शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। गाड़ी जो आपके सामने खड़ी है 2018 मॉडल है, इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे। बाहर का लुक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए बाहर का लुक जो है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है GLI 2018 तक। अब जो न्यू RS है ये 2021, उसको तो और स्लिम कर दिया गया। इसका लुक RS है तो कई दर्जे बहुत ही अच्छा है। अंदर का फर्स्ट लुक आपको मैं एक दे दूँ, मॉडल है, GLI है। इसमें सेफ्टी की बात की जाए तो इसमें दो एयरबैग आपको मिल जाते हैं। इसमें देख लें, एक इसमें स्टीयरिंग में और एक इसके लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड में आपको मिल जाता है। इसमें दो कलर के इंटीरियर मिल जाते हैं आपको, एक ब्लैक और एक ब्राउन मिल जाता है। दूसरा इसके डोर का कलर देख लें, वो भी दो कलर में आपको मिल जाता है। विंडो इसके पावर मिल जाते हैं आपको। इसमें एयर जो एसी की ब्लोम लगे हुए हैं वो आप एक उस साइड पे आपको एक मिल जाता है और एक राइट साइड में आपको मिल जाता है, और वो भी बहुत ही प्यारी और लुक शेप में आप देख सकते हैं इसका। दूसरा आपको यहाँ पे एसी के जो दो ब्लोअर हैं वो लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है एक वो। यहाँ आपको डिजिटल क्लॉक मिल जाता है इसमें, एंड राइट साइड पर आपको लॉक मिरर सिस्टम मिल जाता है। विंडो पावर आपको मिल जाती है और इसमें सेंट्रल लॉकिंग मौजूद है, ये आपको ये मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो ये तो चेंज हुआ हुआ है क्योंकि इसका ओरिजिनल नहीं है, ये टच LCD दोबारा लगी हुई है इसका पैनल। और जो ओरिजिनल है वो तो आपको पता है, DVD रोम और FM वगैरह वो आता है उसमें। दूसरे आप बात करें तो इधर यहाँ आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है RPM के साथ, और इसकी जो एवरेज है वो भी बहुत अच्छी है, 14 किलोमीटर एवरेज शो करवा रही है ये। लेकिन अगर हम लॉन्ग पे इसको ड्राइव करें तो 15 से 16 किलोमीटर ये 1.8 1.3 जो है वो आपको दे रही है माइलेज। अगर आपको इंटीरियर देखें तो वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है इस गाड़ी का। ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको शेड मिल जाते हैं, यहाँ पे लाइट्स मिल जाती हैं, यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है इस साइड पर। यहाँ नीचे हैं तो क्लाइमेट कंट्रोल आपको मोड यहाँ पे आप इसको सेट करना चाहें वो मिल सकता है, फ़ैन की स्पीड कंट्रोल मिल सकता है, एसी की बटन आपको मिल सकता है। यहाँ पे आएँ तो आपको चार्जिंग के लिए ऑप्शन मिल सकता है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप कोई भी दो चीज़ें बोतल या कप वगैरह रख सकते हैं, वो आपको मिल सकता है। यहाँ पर आपको बैग लगा हुआ मिल सकता है। अगर हम बात करें तो सीट्स देखें तो वो भी बहुत ही कम्फर्टेबल हैं। अगर बैठने की बात करें तो बहुत ही ईजी हम इस पे बैठ सकते हैं। ये जो नई RS आई है उससे ये बहुत ही अच्छी गाड़ी है, कंफर्टेबल है। सीट्स के लिहाज से देखें और अंदर से देखें, यहाँ पे ड्राइवर साइड पे देखें तो बहुत ही इजीली स्पेस है इसकी लेग्स की, हम बहुत ही देखें कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं इस पे। हाइट के लिहाज से देखें तो बहुत ही इसमें स्पेस है, अगर किसी का जो हाइट ज़्यादा है तो वो इसमें बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है। अगर के डोर में ही आपको स्पीकर मिल रहे हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, अगर साउंड सिस्टम के साथ इसका ओरिजिनल जो लगा हुआ वो डोर के साथ भी है। इसका रिस्पांस चेक करें तो वो भी बहुत ही आला है, ये देखिए। गियर सस्पेंशन भी बहुत ही स्मूथ है, ये देखें। बैक से देखें तो इसमें बहुत ही स्पेस जो है पीछे से बैठने की वो बहुत ही ज़्यादा है। बैक डोर में देखो तो विंडो का पावर, यहाँ पे बटन लगा हुआ है, यहाँ पे भी दो कलर आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे स्टील उसका गोला लगा हुआ है, यहाँ पे भी आपको पानी के लिए या बोतल के लिए कोई भी चीज़ इसमें रख सकते हैं, वो भी बॉक्स बना हुआ है।
अगर बैक सीट पे देखें तो वो भी बहुत ही कंफर्टेबल है। ये देखें आपके लेग स्पेस जो है वो काफ़ी है, ज़्यादा है। इसमें बेल्ट सीट्स आपको मिल जाते हैं, इसमें ये देखें ये चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। और इंटीरियर जो है इसका बहुत ही प्यारा है, यहाँ पे छत में भी आपको एक लाइट मिल जाती है। अंदर से बैक से आप इसका फ्रंट देखें तो वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, ये आप देख सकते हैं। एक ट्रंक की बात करें तो वो भी देख लेते हैं आप, ये देखिए इसमें बहुत ही स्पेस है, काफ़ी सामान इसके अंदर रखा जा सकता है। स्टेपनी वगैरह भी इसमें है, ये उसका सिस्टम टूल भी रखा हुआ है इसके अंदर, ये चीज़ें भी इसके अंदर रखी हुई हैं, टायर स्टेपनी वगैरह। ट्रंक की बात करें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा है, इसमें बहुत सी चीज़ें रखी जा सकती हैं, इसमें काफ़ी सारी स्पेस है। अगर यारिस की बात की जाए तो उसमें इतनी स्पेस नहीं है क्योंकि वो गाड़ी जो है स्लिम है, इसमें उसके मुकाबले में ज़्यादा चीज़ें रखी जा सकती हैं, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार गाड़ी है। उम्मीद है आपको रिव्यू पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो शेयर लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपके तावन का शुक्रिया।